हमने एक बहाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ खिलखिलाकर मुस्कुराने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, व्यंग को पहचानने के लिए, अस्तित्व को पहचानने के लिए, प्रकृति को पहचानने के लिए। नाम है सर्वेश फफ्थाना। हम अपनी आपाधापी में, अपने स्वार्थ में, हम उन चीजों को विस्मृत करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, जो हमारी पीढ़ियों के लिए जरूरी है। इतिहास इसलिए पढ़ाया नहीं जाता कि वो कोई इन्फॉर्मेशन दे सके, इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो सीख दे सके। जब पीछे घूमकर हम देखते हैं तो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जब हम सामने की तरफ देखते हैं तो हम आशा प्राप्त करते हैं, जब हम वर्तमान को देखते हैं तो अपना आकलन करते हैं। इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास के पात्रों को गाना, शहीदों को गाना बहुत कठिन है, क्योंकि उस जज्बे में उतरना पड़ता है, उस शहादत को महसूस करना पड़ता है, उस दर्द को अपने अंदर उस शिद्दत से महसूस करना पड़ता है जो शायद उस शहीद की माँ ने या बहन ने महसूस की होगी। मैं अखिलेश जी को बहुत प्रणाम करता हूँ। वो जब कवि बनते हैं तो पूरी तरह से कवि दिखाई पड़ते हैं। इनको मैंने कवि बनते देखा है। ये हम लोगों को ललकारते थे, एटा में भी ये एडीएम रहे, उन्नाव में भी ये थे। तो एक दिन हम लोग कवि सम्मेलन के बाद, बहुत पुरानी बात है, मुझे नहीं पता अखिलेश जी लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लेकिन सुनाते नहीं थे, आयोजक हुआ करते थे सरकारी तौर पर। एक दिन कवि सम्मेलन के बाद हम लोग बैठे हुए थे तो अखिलेश जी ने कहा, अरे जा यार, तुम लोग जो लिखते हो वो तो हम भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जो बैठे थे, हमने कहा अच्छा, अब आप भी मंच पे उतर आना। किसी ने कहा, आपने कहा या किसने कहा? उसके बाद अखिलेश जी मंच पर आए, और मंच पर आए ही नहीं, मंच पर छाए भी। यहाँ ही नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी। अंदाजे बयां और जो सबसे प्रसिद्ध मुशायरा है पूरी दुनिया का, उसमें हमारे अखिलेश जी ने शिरकत की है। हम एक अंतर्राष्ट्रीय कवि शायर के लिए तालियां बजाते हैं। मैं एक तो सारे कवियों की बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ। आज सब बाहर से कवि आए थे, उनको मैंने पहली बार सुना। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने उनमें से दो कवियों को अपनी तरफ से पूरे नंबर दिए हैं। नाम इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये मेरा आकलन हो सकता है, माँ सरस्वती का आकलन नहीं हो सकता है। माँ सरस्वती ने सबको एक मंच दिया है तो सब समान है, इसलिए मैं यहाँ पर उनके नाम नहीं लेता। लेकिन दो कवियों ने बहुत प्रभावित किया है, मैं उनको बधाई दे दूंगा कभी अकेले में मिल करके। क्यों हमारे दरमियाँ ये चुप्पियाँ आबाद हैं? क्यों हमारे दरमियाँ ये चुप्पियाँ आबाद हैं? है हवा खामोश, भीतर आंधियाँ आबाद हैं। क्यों हमारे वसल जी, क्यों हमारे दरमियाँ ये चुप्पियाँ आबाद हैं? मैं गुलशन भारती जी बैठे हैं, भावना जी हैं, शोभा त्रिपाठी जी हैं, ये सब लोग, और हमारे उस्ताद काकोरी साहब। मुझे शायरी करना नहीं आता है, मैं स्पष्ट बता दूं, मुझे गीत लिखना भी नहीं आता, मुझे कविता लिखना भी नहीं आता, मुझे सिर्फ साहित्य की सेवा करना आता है। हम चाहे टूटी टांग से करें, चाहे जो करें, हम दौड़ रहे हैं क्या किसी तरह हिंदी उर्दू जो है वो पूरी दुनिया में अपना स्थान बनाए। आप इसमें कतई तगज्जुल मत तलाशिएगा, कोई बैरोमीटर मत तलाशिएगा, और गुलशन जी आप तो बिल्कुल ही मत तलाशिएगा। क्यों हमारे दरमियाँ ये चुप्पियां आबाद हैं? है हवा खामोश, भीतर आंधियां आबाद हैं। इस तरफ से उस तरफ का राबता लहरों से था। राबता मतलब संपर्क संबंध। इस तरफ से उस तरफ का राबता लहरों से था। आबे दरिया लापता पर किश्तियां आबाद। इस तरफ से उस तरफ का, आरजे सिंह साहब, इस तरफ से उस तरफ का राबता लहरों से था। आबे दरिया लापता पर किश्तियां आबाद हैं। और गर यकीन तुमको न हो तो खुद ही आकर देख लो। अखिलेश जी, गर यकीन तुमको न हो तो खुद ही आकर देख लो, दिल की बस्ती में मेरी तन्हाइयां आबाद हैं। गर यकीन तुमको न हो तो खुद ही आकर देख लो, दिल की बस्ती में मेरी तन्हाइयां आबाद हैं। और लड़कियों को लेकर के तमाम सारी बात होती है। मैं भी उस उम्र से गुजरा, मेरे घर के ठीक दरवाजे पर नवयुग कन्या विद्यालय डिग्री कॉलेज था राजेंद्र नगर में। जब मैं 5 साल का था तो मुझे 3 साल की लड़कियां अच्छी लगती थी।
जब मैं 10 साल का हुआ, मैं बिल्कुल सही साइकोलॉजी आपके सामने रख रहा हूँ, झूठ आज तक हमने बोला नहीं है। जब 10 साल का था तो मुझे 6-7 साल की 8 साल की लड़कियाँ अच्छी लगने लगी। जब मैं इंटरमीडिएट में पहुंचा तो 9th और 10th की लड़कियाँ अच्छी लगती थी। LLB में पहुंचा तो BA फाइनल की लड़कियाँ, BA की लड़कियाँ अच्छी लगती थी। आज मुझे वहाँ की टीचर्स अच्छी लग रही हैं। ये उम्र के साथ, ये उम्र के साथ बदलाव आता है। तो एक लड़की जब तरुणाई में पहुंचती है तो उसको क्या क्या झेलना पड़ता है, बस वो मैं अभी प्रिंसिपल तक पहुंचेंगे इसके बाद। अन्य का आजकल टीचर अच्छी लगने लगी तो शोभा जी पूल देने आ गए, जो प्रिंसिपल है वो क्योंकि शोभा जी एक टीचर हैं। शायद पहली बार किसी ने टीचर के प्रति अगाध प्रेम का प्रदर्शन किया होगा। नहीं, टीचर आपको कैसी लगती थी, मतलब टीचर को आप कैसे लगते थे ये भी बता दीजिए। अब टीचर ने फूल हमको तो दिया है, आपको तो दिया नहीं है। आप आंख लीजिए, आप कहाँ खड़े हैं। मैंने अपने को आंख लिया। नहीं नहीं नहीं, क्यों हमारे दरमियान ये चुप्पियां आबाद हैं, है हवा खामोश, भीतर आंधियां आबाद हैं। ज्यों कदम रखा जवानी की हसी दहलीज पर, ज्यों कदम रखा, अगर कुछ जरा सा बन जाए तो ये जितने इस हाल में 96 लोग बैठे हैं टोटल मिला करके, मैंने काउंट किया है 96 लोग हैं टोटल। तो ये जो लोग बैठे हैं वो अगर जरा सा भी कुछ इसमें दिखे तो एक बार मुझे अप्रिशिएट कर दें, बस और कुछ नहीं। ज्यों कदम रखा जवानी की हसी दहलीज पर, ज्यों कदम रखा जवानी की हसी दहलीज पर, यूं लगा कि शहर भर में फप्तियां आबाद हैं। यूं लगा कि शहर भर में फप्तियां आबाद हैं। और चूंकि हास्य व्यंग का कवि हूं तो अंत में औकात आ ही जाती है। हाल कैसा हो गया, ये अनुराग पांडे जी को समर्पित है। बहुत प्यारे छोटे भाई हैं, इस इलाके के पार्षद हैं और बहुत ही जहीन व्यक्ति हैं। कविताओं से अगाध प्रेम है इनको, लेकिन अब हम क्या करें, अब जहीन माने बाद में बताएंगे। IAS में आपको सिलेक्ट किसने किया, मैं ये पूछ रहा हूँ। जो कदम रखा जवानी की हसी दहलीज पर, यूं लगा कि शहर भर में फप्तियां आबाद हैं। और शेर देखिए कि शेर नहीं मतलब तुकबंदी देखिए कि हाल कैसा हो गया दौरे सियासत का हुजूर, हाल कैसा हो गया दौरे सियासत का हुजूर, गुड़ नहीं है हर तरफ बस चींटियां आबाद हैं। गुड़ नहीं है हर तरफ बस चींटियां आबाद हैं। चूंकि मैं आज अध्यक्ष हूं तो मैं 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूं। तो मैं चूंकि व्यंग का विद्यार्थी हूं, मेरी पहचान हास्य व्यंग के कवि की है, तो मुझे व्यंग जरूर सुनाना चाहिए। मैं एक लिटरेरी व्यंग आपके सामने रखता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों का सुना, क्योंकि सृजन में अक्सर मैं वो सुना देता हूँ जो मैं नया लिख के लाता हूँ कभी कभी। और सृजन के सारे सदस्य हमारे प्यारे लोग बैठे, 26 अगस्त को, 27 अगस्त को सृजन का 125वां अंक है, उसमें डिनर वगैरह सब किया जाएगा, तो आप सब लोग आइएगा। को बच्चे माना ये फैमिली प्लानिंग का जमाना है, अब थोड़ी सी मुखरता चाहिए अभी। माना ये फैमिली प्लानिंग का जमाना, माना ये फैमिली प्लानिंग का जमाना है, लेकिन अपना इससे विरोध बहुत पुराना है। अब थोड़ा खुलना पड़ेगा। माना ये फैमिली प्लानिंग का जमाना है, लेकिन अपना इससे विरोध बहुत पुराना है। अपने ऊपर तो ऊपर वाले की दुआ है, अपने ऊपर तो ऊपर वाले की दुआ है कि अभी हाल ही में घर में एक और बेटा हुआ है। अभी हाल ही, अभी ऊपर वाले की दुआ है, अभी घर में, अभी हाल ही में घर में एक और बेटा हुआ है। अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं 4। मैं बेटों के नाम बताऊंगा, आप उनका स्वागत कीजिएगा। अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं 4, सदाचार, शिष्टाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। डॉक्टर AK भारती जी, आप भी उसी जमाने के मेरे AK भारती हैं जिस जमाने के शिशिर जी हमारे रिश्तेदार बने थे, सेम टाइम के आप। हम लोग सब फैमिली प्लानिंग से बचे हुए बेटे हैं। सदाचार, शिष्टाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। सदाचार रो रहा है, बेटे क्या करें, ये व्यंग की भाषा है, हास्य की भाषा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। सदाचार रो रहा है, शिष्टाचार सो रहा है। सदाचार रो रहा है, शिष्टाचार सो रहा है।
अत्याचार बलवान और भ्रष्टाचार महान और भ्रष्टाचार महान है। हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमारे कई एक बेटियां भी हैं भाई, हमने आपको एक बात नहीं बताई आदरणीय विनोद जी, हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमारे कई एक बेटियां भी हैं भाई, बेटियां हैं, अब इनका भी स्वागत कीजिएगा, बेटियां हैं, सच्चाई, लड़ाई, महंगाई और जग हंसाई, बेटियां हैं सच्चाई, लड़ाई, महंगाई और जग हंसाई, सच्चाई जड़, नो मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, पता नहीं कहां पर बांध के रखा गया, सच्चाई जड़, लड़ाई गड़बड़। पहले मैं कंजड़ शब्द यहाँ पे कहता था तो मुझे नीरज जी ने कहा कि कंजड़ शब्द जो है ये जाति सूचक है, इसमें वो एक जाति होती है तो वो बुरा मान सकते हैं, इसलिए ये मत कहा करो, तो मैंने उसको तरमीम कर दी उनके कहने से। सच्चाई जड़ है, लड़ाई गड़बड़ है, महंगाई मुंह लगी है, समझ जाना तो ताली बजाना, महंगाई मुंह लगी है चढ़ेगी, महंगाई मुंह लगी है चढ़ेगी और जग हंसाई अमा दिल लगी है बढ़ेगी, और जग हंसाई अमा दिल लगी है बढ़ेगी। और कविता अपने उरूज की तरफ पहुंच रही है कि ईमान शराफत प्रेम और कर्तव्य, अनीता जी, ईमान शराफत प्रेम और कर्तव्य हमारे इन बच्चों के मामा हैं। अगली पंक्ति में पिनाकल ऑफ द सटायर दिखे, अगर शीर्ष दिख जाए तो आप सब लोग जो हमसे छोटे हैं वो हमसे खुश होकर ताली हो जाएं, जो बड़े हैं वो आशीर्वाद की ताली हो जाएं। ईमान शराफत प्रेम और कर्तव्य हमारे इन बच्चों के मामा हैं, लेकिन आजकल सबके सब सुदामा हैं। ईमान ईमान शराफत प्रेम और कर्तव्य हमारे इन बच्चों के मामा हैं, लेकिन आजकल सबके सब सुदामा हैं। अब अपना भी छोटा सा परिचय पेश है, अब अपना भी छोटा सा परिचय पेश है, बंदे का नाम भारत देश है, बंदे का नाम क्या। समापन, एक मिनट में समापन करता हूँ, अध्यक्ष हूँ, बस एक मिनट और लूंगा। मैंने कुछ शेर नुमा तुकबंदी की, मैंने फिर एक व्यंग, अब मैं एक बहुत छोटा सा दो बंद का गीत है जो मैं बिना गाए हुए, एक कविता है, गीत तो नहीं है, बिना गाए हुए पढ़ता हूँ। ये हर आप सब व्यक्ति के अंदर से मैं ये बात निकाल रहा हूँ, सब रेणु है, प्रतिभा है, इन सब लोगों ने सुना हुआ है, सृजन के सब लोगों ने सुना है, जिन लोगों ने नहीं सुना है वो लोग सृजन वाले भी ये मान के चलें कि उन्होंने नहीं सुना है, और उसको खूब अप्रिशिएट कर दें, जिससे हम ये रहें कि हम भी हिट हो गए, अध्यक्ष थे तो मेरी इज्जत रह गई। आपके भीतर से निकाल, सबके भीतर से एक अंतर्द्वंद, एक अंतर्द्वंद मन में बंद। आपको अगर याद हो तो आप चुप रहिएगा, क्योंकि अखिलेश जी मेरी सारी कविताएं सुने हुए। एक अंतर्द्वंद मन में बंद, इस तरफ दायित्व की पावन शिखा, इस तरफ दायित्व की पावन शिखा, उस तरफ आकंठ आकर्षण दिखा। आपने पारिवारिक चीजों को बस देखिए, शादीशुदा लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी को देखें, जो गैर शादीशुदा हैं वो घर और बाहर के अपने रिश्तों को लेकर के अपना आकलन करें। एक अंतर्द्वंद मन में बंद, इस तरफ दायित्व की पावन शिखा, उस तरफ आकंठ आकर्षण दिखा, रोकता है पांव प्रतिपल आत्मा का द्वार, रोकता है पांव प्रतिपल आत्मा का द्वार, किंतु कर देता विलग मन प्राण का एक ज्वार, किंतु कर देता विलग मन प्राण का एक ज्वार। ये कुछ क्लिष्ट शब्द हिंदी के हैं, समीर भाई आप नहीं समझ पाएंगे, हम बाद में समझा देंगे, है ना, बहुत क्लिष्ट हिंदी है। मन किंतु कर देता विलग मन प्राण का एक ज्वार, खोलता मकरंद मन में बंद, एक अंतर्द्वंद। खोलता मकरंद, मकरंद कहते हैं शहद को जो भौंरा रस निकालता है, वो बहुत शीतल माना गया है, तो वो है तो हमारे पास दिखावे के लिए, लेकिन भीतर भीतर खोल रहा है। ये कहें, ये पारिवारिक मूल्यों में आप लीजिए, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने पिताजी, अपने और सारी चीजों के साथ लेकर के जब आप इसको, तो बिंब बहुत जबरदस्त है। खोलता मकरंद मन में बंद, दूसरा बंद इसका, चल रहा है युद्ध कौरव पांडवों का, सबके अंदर
चल रहा है युद्ध कौरव पांडवों का, दांव पर अस्तित्व अपने बांधवों का। चल रहा है युद्ध कौरव पांडवों का, दांव पर अस्तित्व अपने बांधवों का, या उन्हें अस्तित्व है अनमोल देना, या उन्हें अस्तित्व है अनमोल देना, या समय के भाव उनको तोल देना, या उन्हें अस्तित्व है अनमोल देना, या समय के भाव उनको तोल देना। टूटता सा छंद मन में बंद, एक अंतर्द्वंद मन में बंद। हर कविता का अंतिम वर्ग कि ढूंढना होगा मुझे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्या है कि या उन्हें अस्तित्व है अनमोल देना, या समय के भाव उनको तोल देना। ढूंढना होगा मुझे इस प्रश्न का उत्तर, है असंभव यह नहीं शायद बहुत दुष्कर। ढूंढना होगा मुझे इस प्रश्न का उत्तर, है असंभव यह नहीं शायद बहुत दुष्कर। है अगर देनी ऊंचाई पीढ़ियों को, भूमि पर टिकना पड़ेगा सीढ़ियों को। है अगर देनी ऊंचाई पीढ़ियों को, भूमि पर टिकना पड़ेगा सीढ़ियों को। तोड़कर अनुबंध मन में बंद, एक अंतर्द्वंद मन में बंद। टूटता सा छंद मन में बंद। मैं एक बार पुनः आदरणीय चाचा जी की पावन स्मृति को नमन करता हूँ। शोभा जी, सरला जी, राजीव जी और दोनों बच्चियों, पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि जब तक आप जीवित रहें, अपने माता पिता को जीवित रखें।